नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दो रिले के ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर 1 किलोवाट का फुल सैद्धांतिक एवं इसी क्रियान्वित रिपेयरिंग आपको हम बताएंगे। जैसा कि यहां आप देख रहे हैं, हमने इस व्हाइट बोर्ड पर इसके पूरे सर्किट डायग्राम को हमने बना दिया है आपको समझाने के लिए। अब इसके एक एक पॉइंट का कनेक्शन और इसका कैसे हाई कट होता है और कैसे वोल्टेज बढ़ करके आता है तो हमारे घर में सप्लाई कम हो जाती है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर लिखा है दो रिले ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर 1 किलोवाट। यहां पर आप देख रहे हैं दो रिले आपका लगा है, तो आइए हम जानते हैं, वीडियो को लेट ना करते हुए हम जानते हैं कि आपका ये कैसे कार्य करता है। अब आइए हम समझते हैं, मात्र आप 4 मिनट के अंदर सारा इसका सिस्टम आप समझ जाएंगे। हम आपको पढ़ा रहे हैं, देखिए ध्यान से इस बात को कैसे कार्य करता है। यहां देख रहे हैं आप, ये आपकी न्यूट्रल सप्लाई है। क्या होता है, आपके घर में जो विद्युत पोल से न्यूट्रल सप्लाई आती है, हम सबसे पहले स्टेबलाइजर में देते हैं। स्टेबलाइजर के बाद हम क्या करते हैं कि आउटपुट यहां से प्राप्त करके हम अपने घर में आउटपुट दे देते हैं, जिससे हमारे घर में सभी उपकरण चलते हैं। अब ये स्टेबलाइजर का मुख्य कार्य क्या है, जब वोल्टेज बढ़कर आता है तो हमारे घर में ये सप्लाई को एक्यूरेट करने का कार्य करता है। अब ये कार्य कैसे करता है, ये आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ये कैसे कार्य करता है। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि जब वोल्टेज बढ़ जाता है तो कैसे ये वोल्टेज को कम कर देता है और जब वोल्टेज कम आता है तो कैसे ये वोल्टेज को बढ़ा देता है। आइए हम सब कुछ आपको इस वीडियो में समझाते हैं, आपको एक एक पॉइंट का कनेक्शन भी बताएंगे साथ साथ। यहां देख लीजिए आप, ये आपकी न्यूट्रल सप्लाई है। न्यूट्रल सप्लाई हमें क्या करना होता है, एक ट्रांसफार्मर के इस कॉमन पर दे देते हैं और यहां से ही हमारी ये सप्लाई आउटपुट सॉकेट के एक पॉइंट पर, और यहां से ही आप देख रहे हैं यहां से वोल्ट मीटर के एक पॉइंट पर और ग्रीन एलईडी के एक पॉइंट पर, और एक ट्रिगर ट्रांसफार्मर छोटा सा जो ट्रांसफार्मर 0.18 वोल्ट लगा है इसके प्राइमरी वाइंडिंग के एक पॉइंट पर जोड़ देते हैं। यानी 1, 2 और 3 और 4, यानी ये चारों पॉइंट हम यहां पर जोड़ देते हैं, जैसा कि आप सर्किट में देख रहे हैं। अब क्या होता है, यहां से हमारी फेज सप्लाई निकलती है। देखिए यहां से हमारी फेज सप्लाई निकलकर इस एसी फ्यूज के द्वारा यहां आती है, तो यहां से आती तो यहीं से आपकी दो भाग में यहां से बढ़ जा रही है। आप देख रहे हैं यहां पिन नंबर 2 पर चली जाती है, लेकिन अभी इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब यहां से हमारी सप्लाई निकल करके यहां देख रहे हैं इनपुट आउटपुट स्विच के एक सब पोल पर आ गई। अब जब हम इस बटन को यहां पुश कर देंगे तो अंदर से ये पॉइंट इससे टच कर जाएगा, अतः हमारा वोल्ट मीटर इनपुट सप्लाई को पढ़ने लगेगा। ये आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि निगेटिव सप्लाई इस वोल्ट मीटर में पहले पहुंची है और फेज सप्लाई यहां आ गई और इस स्विच को हमने पुश कर दिया तो ये वोल्ट मीटर हमारा पढ़ने लगा। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, फेज सप्लाई इसके पिन नंबर 2 पर आपकी जाएगी। अब हम जानते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर कि जिन दो पॉइंट पर हम सप्लाई देते हैं तो वो दोनों पॉइंट प्राइमरी हो जाता है, शेष सारे लूप सेकेंडरी हो जाते हैं। तो ये आपका प्राइमरी लूप हो गया और ये आपका प्राइमरी हो गया और ये आपका सेकेंडरी हो गया, लेकिन ये डाउन सेकेंडरी होगा, स्टेप डाउन। ये क्या करेगा, स्टेप डाउन और ये स्टेप अप का काम करेगा। आप समझ जाइए ध्यान से, ये स्टेप अप का काम करेगा और ये भी आपका स्टेप अप का काम करेगा। आप ध्यान से समझ जाइए। अब देखिए, अब यहां जब हमने सप्लाई दे दिया तो यहां से, अब चूंकि यहां पिन नंबर 4 से वोल्टेज निकल रहा है, 3 से निकल रहा है, लेकिन 3 से जो वोल्टेज निकल रहा है येलो पॉइंट खाली है, इसका कनेक्शन अभी नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहां पिन नंबर 4 से जो वोल्टेज आया है ये एनसी पॉइंट पर आया है और इसका एनसी इस समय इसके कॉमन से जुड़ा होता है। जब ये रिले ऑफ होती है तो इसका एनसी कॉमन से जुड़ा होता है। इस प्रकार यहां से पॉजिटिव वोल्टेज निकल करके इसके सेकंड रिले के एनसी पॉइंट पर आ जाता है, सेकंड रिले का एनसी भी इस समय ऑफ है तो इसके कॉमन से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार इसके कॉमन से आपकी फेज सप्लाई निकल करके इस आउटपुट सॉकेट पर चली गई और यहां से हमारे इनपुट आउटपुट स्विच के एक सब पोल पर आ गई और यहां से हमारे 100K के रेजिस्टेंस से ग्रीन एलईडी पर चली गई। अब हमारी ग्रीन एलईडी जल रही है, यदि हम इस पुश स्विच को यहां से स्विच दबाएंगे तो ये सप्लाई हमारी यहां आ जाएगी, हमारा वोल्ट मीटर इस समय आउटपुट सप्लाई को पढ़ेगा। जैसा कि हम पीछे बताए, अब तक इनपुट सप्लाई पढ़ रहा था, अब यहां पर आपका आउटपुट सप्लाई पढ़ेगा और यहां आपकी आउटपुट सप्लाई यहां प्राप्त होगी, इससे आपके घर के उपकरण चलेंगे। अब ये आपको समझ में आ गया। अब यहां देखिए, जैसा कि यहां हमारे घर में यहां पर इस समय 180 वोल्ट इनपुट सप्लाई आ गई मान लिया जाए,
180 वोल्ट, तो हमारी यहां कितना पहुंच गई, 180 वोल्ट यहां पहुंच गई। अब यहां पर हमारी सप्लाई बढ़कर के इस समय 200 वोल्ट हो गई और यहां हमारी 220 वोल्ट हो गई। तो ये 220 वोल्ट की सप्लाई एनसी कॉमन से और इसके एनसी कॉमन से हमारे आउटपुट सर्किट पर 220 वोल्ट मिलने लगा। मान लिया जाए यदि हमारे घर में ये सप्लाई 180 के बजाय यहां 200 वोल्ट आ गया, यहां पर आपका 200 वोल्ट यदि आ गया तो हमारी यहां पर सप्लाई 200 वोल्ट पहुंचेगी, जहां 180 पहुंच रही थी वहां 200 वोल्ट पहुंचेगी। अब क्या होगा, अब हमारी यहां सप्लाई 220 वोल्ट हो जाएगी और यहां सप्लाई हमारी 240 वोल्ट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस 200 वोल्ट में हमें क्या करना होता है, फर्स्ट रिले हमें काट देना है। फर्स्ट रिले काटने के लिए क्या करना है, इसको बैरियर के द्वारा हम दिखा दे रहे हैं आपको। यहां हम एक बैरियर रखे हैं, देखिए हमारे पास ये बैरियर है, इस बैरियर के द्वारा देखिए, इस बैरियर के द्वारा हम आपकी इस सप्लाई को 200 वोल्ट पर कट करके बना देंगे। अब हम आपको दिखाते हैं, यहां देखिए ध्यान से, इस बैरियर के द्वारा। अब यहां क्या करना होता है आपको, जब यहां पर सप्लाई ये रिले कट जाएगी पहली, तो क्या होगा, इसका कॉमन एनओ से टच हो जाएगा, अतः यहां पर 220 वोल्ट सप्लाई आपको प्राप्त हो रही है। देख लीजिए यहां 220 वोल्ट प्राप्त हो रही है, ये सप्लाई इसके एनओ पे जाएगी और एनओ इसका इस समय कॉमन से टच होगा, इस प्रकार सप्लाई यहां आ जाएगी और ये रिले भी ऑफ है तो एनसी से कॉमन से निकल करके ये सप्लाई इसके आउटपुट पर चली जाएगी, फिर आपका वोल्टेज 220 यहां हो जाएगा। अब यदि आपके घर में वोल्टेज यहां पर फिर हटा दे रहे हैं, यहां आपका 240 वोल्ट हो गया। अब क्योंकि यहां वोल्टेज 240 वोल्ट हो गया तो यहां एसी फ्यूज के द्वारा यहां 200 वोल्ट जहां पहुंच रहा था वहां 240 वोल्ट सप्लाई आपकी पहुंच गई, तो यहां 240 हो गई, तो यहां 20-20 वोल्ट का ये लूप है, तो यहां 260 वोल्ट हो जाएगा और यहां 280 वोल्ट आपका हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें ना ये सप्लाई लेनी है ना ये सप्लाई लेनी है, अब 240 यहां है तो ये 20 वोल्ट का लूप है, तो यहां हमारा सप्लाई डाउन हो जाएगा, यहां 220 वोल्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमें इस 240 वोल्ट पर इसका सेकेंड रिले के प्रेशर को घुमा करके हम 240 वोल्ट इनपुट सप्लाई इसकी लीड को दे करके सेकेंड प्रेशर को हम काट देंगे। जब सेकंड प्रेशर को काट देंगे, जब आपके घर में 240 वोल्ट सप्लाई आएगी तो यहां से ये सप्लाई घूम करके 240 यहां पहुंचेगी, उस समय ये रिले कट जाएगा और ये भी रिले कट जाएगा, इस प्रकार ये दोनों सप्लाई ऊपर रुकी रह जाएगी। अब यहां से स्टेप डाउन वोल्टेज निकलकर 220 वोल्ट की सप्लाई इसके एनओ पर पहुंचेगी, एनओ इस समय इसके कॉमन से अटैच होगा और इस प्रकार हमारे घर में 220 वोल्ट की सप्लाई इसके आउटपुट सॉकेट पर पहुंचने लगेगी। ये आपको समझ में आ गया होगा, जब वोल्टेज बढ़ के आता है तो दोनों रिले कट हो जाते हैं, अतः इसका अंडर वोल्टेज यहां से आपका इसके कॉमन से होकर के सप्लाई आउटपुट पर जाने लगती है। ये आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। यदि हमें यहां आपको एक पॉइंट और भी बता देते हैं, यदि हमें यहां हाई कट ऑफ सर्किट जोड़नी है तो हाई कट ऑफ सर्किट के लिए हम आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको हाई कट ऑफ इसमें कैसे लगाया जाए यहां समझाए भी थे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, हम आपको आगे वाले वीडियो में बताएंगे। और एक बात ये भी जान लीजिए, इस प्रकार हम स्टेबलाइजर की सीरीज इस समय चला रहे हैं, हम 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट तक के स्टेबलाइजर का 5 रिले के ऑटो कट, माइक्रो कंट्रोलर सब कुछ हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को हमारे आप आराम से देखिए, ये वीडियो समझ में आ जाएगी। इसके बाद हम 3 रिले वाला वीडियो आपके लिए यहां पर हम आपको बनाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, यदि आपको ये वीडियो ना समझ में आ रहा हो, यहां देखिए ये वीडियो ना समझ में आ रहा हो, तो हमारा इसके पहले की वीडियो 1 रिले का सर्किट डायग्राम समझाया गया विधोत तरीके से, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। और यहां देखिए हम इसका पूरा सर्किट डायग्राम यहां देख लीजिए आप, इसका पूरा सर्किट डायग्राम इस पर हमने सेट किया है, देखिए इस पर हम आपको जोड़ करके दिखाएंगे। ये दोनों रिले का प्लेट है और ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है, ये वोल्ट मीटर है, ये आउटपुट सर्किट है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये आपको इनपुट आउटपुट वोल्टेज स्विच है, आप देख रहे हैं। इस पर हम आपको इस डायग्राम को विधिवत तरीके से जोड़ करके प्रैक्टिकली बताएंगे, लेकिन यहां आज हम थ्योरेटिकल बता रहे थे। इस प्रकार हम आपको अगली वीडियो में इसका प्रैक्टिकल करके एक एक तार को जोड़ करके हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।